स्वागत है सभी का एचएल ट्रिकी जी के क्लास में। हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी हाँ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ये है सिगमंड फ्रायड की देन है। देखिए क्या है, मनोविश्लेषणात्मक के जन्मदाता फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास तीन आधारभूत आवश्यकताओं में होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इड। सेकंड पॉइंट क्या है, ईगो। और थर्ड पॉइंट है सुपर ईगो। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व विकास की देखिए पहली अवस्था क्या है, इड। इड को ही इदम कहते हैं और इड को ही अचेतन कहते हैं। तो व्यक्तित्व विकास की पहली अवस्था कौन सी है, चाहे इड कहिए या इदम कहिए या अचेतन कहते हैं कहिए, व्यक्तित्व के इस विकास में देखिए क्या होता है, इसे इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। सुखवादी प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति अधिक होती है। तो यहां से प्रश्न ये बनता है कि फ्रायड के व्यक्तित्व विकास की किस अवस्था में इच्छाओं का भंडार, सुखवादी प्रवृत्ति और कल्पना शक्ति अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इड या फिर इदम या फिर हो जाएगा अचेतन। व्यक्तित्व विकास की तीसरी अवस्था देखिए क्या है, दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था है ईगो। ईगो को कहते हैं अहम या इसके अलावा अर्धचेतन भी कहते हैं। अर्धचेतन में क्या होता है, ईगो में क्या होता है, देखिए इच्छाओं से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता को अधिक महत्व देना, या फिर बालक को भूख लगी है तो बालक को भोजन चाहिए ही, कल्पना से काम नहीं चलेगा। ये फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये फ्रायड के व्यक्तित्व विकास के किस अवस्था में कहा गया है, ईगो में कहा गया है, यानी अहम या अर्धचेतन में कहा गया है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, सुपर ईगो यानी परम अहम या चेतन। व्यक्तित्व विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, सुपर ईगो या परम अहम या चेतन। इसमें देखिए क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान, जांचना परखना, आदर्शवादी विचारधारा और नैतिक मन और कार्य के औचित्य को परखना, ये व्यक्ति के विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये सुपर ईगो यानी परम अहम या चेतन से संबंधित है। तो यहां से सवाल क्या क्या बनेगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है, कौन कौन, इदम अहम और परम अहम, या इड ईगो सुपर ईगो, या अचेतन अर्धचेतन या चेतन। तो इतने तरीके से यहां से प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा प्रश्न यहां से कैसे बनेगा, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इच्छाओं से काम नहीं चलेगा, यह व्यक्तित्व विकास की किस अवस्था से संबंधित है, तो ये ईगो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि कल्पना शक्ति अधिक होती है विकास की किस अवस्था में, इदम में, यानी इड इदम और अचेतन में। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, जांचना परखना आदर्शवादी विचारधारा की जो प्रवृत्ति होती है, ये व्यक्तित्व के विकास की किस अवस्था से संबंधित है, यानी कि सुपर ईगो से संबंधित है। तो इतने प्रश्न यहां से बन रहे हैं, इतना क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, विशिष्ट बालक। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। विशिष्ट बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रेन। विशिष्ट बालक को हेवार्ड तथा ओरेलेंस्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन में परिभाषित किया है। और क्या परिभाषित किया है, क्या कहा है इन्होंने, ऐसे बालक जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है
कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की जरूरत होती है, यानी कि स्पेशल या विशिष्ट बालक उसे कहते हैं, या तो उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी, और या तो फिर मूर्ख बालक होगा, या तो इसकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होगी। तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से कई तरह के गुणों में विचलित होते हैं, यानी कि अगर बालक समझेगा तो बहुत समझेगा, और नहीं समझेगा तो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो प्रतिभाशाली बालक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बनेगा, प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। ये ऑप्शन पर निर्भर करता है, ऐसे भी पूछा जाता है, क्या प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है? तो 140 से अधिक भी होती है, 120 से भी अधिक होती है। अब ये ऑप्शन पर निर्भर करता है कि उस ऑप्शन में है क्या। अगर ऑप्शन में 120 से अधिक लिखा हुआ है और 140 से अधिक लिखा हुआ है, 120 भी है 140 भी है, तो 140 से अधिक वाले पर आप टिक करें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।